ये है मुस्टच वरंडा की एंट्रेंस। यहाँ पे आता है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया पूल साइड के आगे ही है। यहाँ पे देखो एक ठेला सा बना रखा है मुस्टच। जैसे ही लॉबी क्रॉस करके आते हैं यहाँ पे आता है पूरा रेस्टोरेंट। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, ऊपर मुस्टच प्रिंट कर रखा है। कॉफी मतलब साइंस आ गया। हम लोग आया अभी जगदीश मिष्ठान भंडार। ये है उदयपुर का न्यूली ओपन्ड लॉन्च बार। हेलो जी, दिस इज राज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद राज राव। इसी के साथ हो गई है नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत और हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर। तो उदयपुर में पहुंच के आप सबको पूछते हैं केम छो, मजा मा हूँ पण एकदम मजा मा। तो अभी हम लोग मुस्टच वरंडा में रुके हुए हैं और मुस्टच वरंडा की प्रॉपर्टी टूर करके आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हैं। और प्रॉपर्टी के रूम बहुत अच्छे हैं। आए थे, फ्रेशन अप हुए, उसके बाद हम लोग अभी उदयपुर एक्सप्लोर करने निकल रहे थे, तो सोचा उससे पहले आपको प्रॉपर्टी पूरी दिखा दी जाए। तो अभी धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जब रूम में आते हैं तो हमारा यहाँ पे नाम लिखा है व्रजा, और अभी आपको रूम टूर करके दिखाते हैं कि रूम में क्या क्या चीज़ें हैं। रूम में है यहाँ पे बेड, यहाँ पे है डेस्क, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है, वो है बालकनी। यहाँ जब बाहर आते हैं तो इसका मेन अट्रैक्शन है बालकनी। देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से पूरा उदयपुर का प्रॉपर वाइब आ रही है यहाँ से। दूसरी चीज़ें अंदर रूम में बहुत सारी हैं, जैसे इसका वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है। फालतू चीज़ें नहीं रखी इन्होंने, फर्नीचर वर्नीचर ज़्यादा नहीं कर रखा, लेकिन एकदम ब्यूटिक होटल बना रखा है। वॉशरूम काफ़ी अच्छा है इनका, नीट एंड क्लीन है। अभी फ्रेशन अप हो चुके हैं, फिर निकलते हैं बाहर और बाहर की प्रॉपर्टी का टूर कराता हूँ मैं, एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ है इसमें। ये है मुस्टच वरंडा की एंट्रेंस। देखो एक ठेला सा बना रखा है मुस्टच ने, कितना सुंदर बना रखा है ये। और उसके जस्ट सामने इन्फिनिटी पूल, तो पूरा व्यू आता है यहाँ। यहाँ से आप व्यू देख रहे हो, पूरा ये इन्फिनिटी लग रहा है एकदम, ऐसे कि ख़त्म ही नहीं हो रहा ये पूल। होते ही यहाँ पे आता है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया पूल साइड के आगे ही है, काफी बढ़िया है। और यहाँ पे है रेस्टोरेंट। जैसे ही लॉबी क्रॉस करके आते हैं यहाँ पे आता है पूरा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट काफी बढ़िया बना रखा है, क्राउड भी अच्छा खासा है यहाँ पे। गेमिंग के लिए यहाँ पे गेम जोन भी बना रखा है, जो भी इंडोर गेम्स है यहाँ पे है। यहाँ पे है वरंडा बाय द लेक और सामने है पूरा लेक। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, ये मस्त यहाँ पे लेक है और उसके बाजू में पूरा रेस्टोरेंट है, काफ़ी मस्त बनाया हुआ है ये। यहाँ पे लोग इवनिंग टाइम पे प्रीफर करते हैं यहाँ पे आना, काफ़ी बढ़िया है एकदम। और यहाँ से आप देख सकते हो इन्फिनिटी पूल भी नज़र आ जाएगा यहाँ पे, तो पूल साइड आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी मस्त है एकदम, ऐसे लग्जरियस प्रॉपर्टी है, कैटेगरी भी उसकी लग्जरियस ही है, बहुत बढ़िया बनाई हुई है प्रॉपर्टी। वो रूम मिला है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अमेनिटीज़ है वो अच्छे से आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे स्टेयर्स चढ़ के आते हैं सामने ये आ जाता है अपना 15 नंबर का रूम, मिस्टर व्रज राव। यहाँ पर अपनी नेम प्लेट भी लगी हुई है। और यहाँ पर है जाइंट स्विंग, जाइंट चेयर, टेबल चेयर भी लगी हुई है। और यहाँ से नीचे दिखेगा इन्फिनिटी पूल, ये देखें।
इन्फिनिटी पूल यहाँ से दिखेगा और ये मस्त चेयर और स्विंग लगा हुआ है। प्रॉपर्टी टूर करके मैं आ चुका हूँ रूम पे और रूम पे अपना बैग वैग सारी चीज़ें ले रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग एक्टिवा हायर करने के लिए। यहाँ से बाहर निकलते ही एक्टिवा मिल जाती है तो एक्टिवा हायर करेंगे। उसके बाद जाएंगे यहाँ का फेमस जगदीश मिष्ठान भंडार जो काफ़ी फेमस है अपनी कचौरी को लेके, तो वो एक फूड ट्राई करने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल चलते हैं एक्टिवा लेने के, क्योंकि एक्टिवा लेंगे तो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते, क्योंकि उदयपुर में फोर व्हीलर लेके घूमना छोटी छोटी गलियों में छोटी छोटी पोल में बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे पोल से सारी चीज़ें जानी जाती है, जैसे चांद पोल, सूरज पोल, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे जो भी एक्सप्लोर करेंगे वो आपको दिखाएंगे। बस एक्टिवा हायर करते हैं और आपको मज़ा कराते हैं। अपने दो दिन के बंगलों को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट में, चलते हैं नीचे। ये कौन है, कौन है भाई तू? मैं नहीं जानता तुम्हें। इधर इधर साइड में। अरे हम लोग जा रहे थे बाहर एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारा आ चुका है कोकोनट वाटर मुस्टैच की तरफ से। क्या ही बढ़िया लुक बना रखा है, ऊपर मुस्टैच प्रिंट कर रखा है। और ये रहा हमारा कोकोनट वाटर। तो जी हमें मिल चुकी है एक्टिवा, यहाँ पे रेंट पे ले लिया हमने 400 रुपये पर डे के हिसाब से। अभी इसका हेलमेट वेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं उदयपुर घूमने के लिए, अब मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स हमने एक्टिवा लेने के बाद पिटवाया उसमें पेट्रोल और अभी हम आ गए फतेह सागर लेक। देखिए तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं, क्योंकि मुझे पीनी है साई सागर से कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी जो कि मेरी फेवरेट है। अब हम वो पियेंगे एंड व्यू एंजॉय करते करते कॉफ़ी पियेंगे। अभी फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग साई सागर कॉफ़ी एंड मोर। अभी आई हमारी कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। यहाँ पे आ चुकी है हमारी साई सागर की कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। हाउ इज़ इट? देखो यहाँ पे लिखा है कॉफ़ी मतलब साई सागर विच इज़ 100% प्योर। हम लोग आए अभी जगदीश मिष्ठान भंडार जो कि काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। इनके पास स्वीट में काफ़ी सारी आइटम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कम से कम होगी 100 से भी ज़्यादा आइटम। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे है जो कि है बंगाली मिठाई, ये भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और दूसरी कचौरी यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो यहाँ पे, पैक्ड आइटम भी मिल जाती है। और गिफ्ट रैपिंग वगैरह आप करना चाहते हो कुछ तो वो भी बढ़िया से कर सकते हो। और कितनी सारी सेलिब्रिटी यहाँ पे आ चुकी है, जो भी उदयपुर में आया वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट किया है उसने। बाजू में इनका रेस्टोरेंट JMB रेस्टोरेंट, यहाँ पे लाइव कचौड़ी और ये देखो मलाई पूड़ी बन रही है। क्या खाएंगे, अब क्या खाएंगे यहाँ से? इनकी फेमस है कचौड़ी, प्याज कचौड़ी खानी है। यस तो जी उदयपुर की फर्स्ट शॉप है जिसने प्याज कचौड़ी बेचना चालू किया था। और आप यहाँ पे दूर के देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी प्याज कचौड़ी कितनी टेस्टी एंड फेमस है। बाकी इनके पास मिलता है मिर्ची वड़ा, समोसा, प्याज कचौड़ी और बहुत सारे आइटम और भी मिलते हैं। यहाँ पे बन रहा है फ्रेश मालपुआ, मैंने आपको मलाई पूड़ी बोली थी लेकिन ये मालपुआ है, काफ़ी बढ़िया होता है। ये घी में बनता है, पूरी पूड़ी होती है और घी में बनती है, बहुत मस्त लगता है, यम होता है, मेरा फेवरेट है। पहले मुझे मलाई पूड़ी लगी थी लेकिन फिर पता चला मालपुआ है। और ये जितना पतला होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम टेस्ट करके देखते हैं कि कितना पतला और कितना क्रिस्पी। यहाँ पे आ चुकी है मेरी प्याज कचौड़ी, दूसरा आ चुका है यहाँ पे मिर्ची वड़ा, यहाँ पे आ चुका है हमारा खमन। हमें ये सब कुछ खाना है। पहले थी हमारी प्याज कचौड़ी, अब आई है दाल कचौड़ी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्रिस्पी सी। यहाँ पे आ चुका है हमारा समोसा, अब ये सारी आइटम हम खाने वाले हैं। अब तो यहाँ पे तीन चटनियाँ भी हैं, मीठी है, स्पाइसी भी है और एक मीडियम है जो कड़ी बोलते हैं, जो खमन के साथ भी अच्छी लगती है। कैसा है मिर्ची वाड़ा? मिर्ची कैसा लगा? स्पाइसी है बहुत। मज़ा आया? अभी मैंने ट्राई किया ये कचौड़ी और जनरली इतनी टेस्टी है। तुझे मिर्ची वड़ा कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा। अभी मैंने कचौड़ी खाई, कचौड़ी तो एक नंबर थी, बस अब खमन ट्राई करता है कैसा है कड़ी के साथ। कैलाश के खमन को बीट करा इसने? बीट किया।
किया। चलो गुड, मुझे भी मिर्ची वड़ा बहुत पसंद आया। अगर आप उदयपुर आए तो यहाँ का मिर्ची वड़ा जरूर ट्राई करना, आपको बहुत 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 पसंद आएगा इफ़ यू आर अ स्पाइसी लवर। और अगर स्वीट में चाहिए तो कचौड़ी खाना, कचौड़ी बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया कचौड़ी खा के। ये देखो यहाँ पे संजीव कपूर का फ़ोटो है जो 3 बार यहाँ पे खाना खा चुके हैं। यहाँ पे उदयपुर में उनकी खुद के रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी तो वो खुद आए थे, 2015 के आसपास की बात है, और उन्होंने 3 दिन यहाँ से ब्रेकफास्ट किया था। और बाकी भी बहुत सारी सेलिब्रिटी यहाँ पर आ चुकी है, तारक मेहता वाले अब्दुल भी आ चुके हैं यहाँ पर, जो जो मैं जिनको जानता हूँ उनके बारे में बता सकता हूँ। और बाकी आप देखें यहाँ पे दया, ये सीआईडी वाले, वो भी अभिजीत, तो क्या नाम था इनका, मुझे इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने हमेशा सोन पपड़ी खाई होगी जो कि बनती है बेसन और मैदा से, ये है काजू की सोन पपड़ी। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार सुनी है, खाने की तो बात भी छोड़ो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 इन्ग्रीडियंट यूज होते हैं, जिसमें है काजू और शुगर और पिस्ता और बादाम, बस इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होता। तो लेट्स ट्राई और बताते हैं आपको कि कैसी है। खाने में देखो इसको लेयर्स बिल्कुल सोन पपड़ी जैसी आ रही है और बहुत टेस्टी भी है। इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ GMB पे मिलता है, तो आपको अगर ओरिजिनल पतीसा खाना है काजू का तो कम टू GMB। मिठाई में हमारे पास आ चुके संगम बर्फी, जो उदयपुर की सबसे पहली बर्फी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, अब तो हर जगह मिलने लगी है, लेकिन ये इनकी फेमस और एक मोनोपोली कह सकते हैं हम। यहाँ पे है हॉर्लिक्स बर्फी, जो दूध में हम डालते हैं हॉर्लिक्स, उसकी बर्फी है ये। ये देखो ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे हल्दीराम के जो मेन डायरेक्टर है, जो ऑनर है, वो अभी 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे और इन्होंने सारी मिठाई यहाँ पे ट्राई की थी, यही सारे ऑनर ये रहे। यहाँ पे है रबड़ी, इस शॉप की सबसे पहली शुरुआत, सबसे पहली प्रोडक्ट ऐसा कह सकते हैं। ये देखो ये जो रबड़ी है, ये वाली दादी जो है कम से कम 4-5-6 पेढ़ी इनकी पहले की है, जो पार्टीशन के टाइम की उन्होंने ये चालू थी रबड़ी बनाना। यहाँ पे आ चुकी है सुन पापड़ी, देखो सुन पापड़ी कितनी सुंदर लग रही है, ये एकदम काजू से बनती है। ये देखो यहाँ पे आ चुका है मलाई रोल, ये प्रॉपर मलाई की बनी हुई है। ये देखो आलमंड रोशर आ चुका है, ब्लूबेरी आ चुका है, और ये है रोज़ लड्डू, प्रॉपर रोज़ का लड्डू है ये। यहाँ पे आ चुकी है हमारी ट्राई कलर बर्फी, बर्फी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आ चुका है हमारा काजू पान और मिल्क चॉकलेट, बहुत बढ़िया यार, ऐसा हो रहा है कि कब सारी चीज़ें खा लें हम, इतनी सारी चीज़ें खाने का मन कर रहा है हमारा, खाना है। ये देखो यहाँ पे आ चुका है हमारा गेवर, जो हमने पैक कराया है, हमने अजमेर का खाया है, आगरा का खाया, अब हम उदयपुर का घेवर खाएंगे। यहाँ पे खा रहा हूँ मैं रबड़ी और एक नंबर, वैसी रबड़ी मैंने आज तक नहीं खाई। वापस आ गए हम लोग अपने मुस्टैच, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आ चुके हैं रूम में, मस्त टीवी देखेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे स्विमिंग पूल में। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करके जा रहे हैं पूल के अंदर, और ग्रीनरी काफ़ी बढ़िया रख कर रखी है इन्होंने, चारों तरफ ग्रीनरी है, मतलब प्रॉपर्टी एक नंबर है, प्रॉपर्टी को हम लोग 100% दे सकते हैं। और फूड क्वालिटी हमने अभी तक यहाँ की ट्राई नहीं करी, लेकिन जिस हिसाब से रेस्टोरेंट है, जिस हिसाब से क्राउड आ रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया होगी चीज़ें। पूल से आके हम लोग हो चुके हैं फ्रेशन अप, और अभी ऐसा हो रहा है कि सो जाए, लेकिन हाई टी का टाइम हो चुका है तो हमें जाना पड़ेगा हाई टी के लिए। 5:30 हो चुके हैं और हाई टी का टाइम 6 बजे तक होता है। पूल में काफ़ी एंजॉय किया, आपने भी देखा होगा कि पूल में कितना एंजॉय किया, और अभी चलते हैं हाई टी के लिए, बस फ्रेशन अप हो चुके हैं। यहाँ पर आ चुका है हमारी चाय और कॉफ़ी, चाय के साथ साथ आ चुके बनाना ब्रेड और कुकीज़, और उसके साथ है यहाँ पर हॉट कॉफ़ी। Oh, 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 oh
इसी के साथ हो चुके हैं हम लोग रेडी और अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर। यहाँ पे क्लब बहुत सारे ओपन हो चुके हैं, तो जो भी नए ट्रेंडिंग क्लब है वो कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लोर करके दिखाएं। फिलहाल हम लोग चलते हैं एक्टिवा निकाल के नए क्लब में और देखते हैं कि वो क्लब में क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छे से आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ड्रिंक एक्सचेंज बार एंड लॉन्च। ये है उदयपुर का न्यूली ओपन्ड लॉन्च बार और ये काफ़ी अच्छा क्लब है, नाइट क्लब है। ये देखो इनका टैगलाइन भी है नाइट क्लब का, मज़ा आने वाला है यहाँ पे। ये हाईवे पे ही है, हम लोग जहाँ मुस्टैच रुके हैं वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो रात को यहाँ पे पूरा मज़ा आता है। यहाँ रात को 3 बजे तक चलता है ये पूरा क्लब। और यहाँ पे बाजू में भैरवगढ़ पैलेस भी है, भैरवगढ़ पैलेस रिसोर्ट जो पुराना उदयपुर का फेमस रिसोर्ट है उसके जस्ट बाजू में ही है। तो बढ़िया है, एकदम मस्त लोकेशन पर ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है इस लॉन्च का वीआईपी एरिया, सामने है पूरा बारटेंडर। बारटेंडर में आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, और यहाँ पे चल रहा है लाइव डीजे। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ पे। सेफ्टी के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें की जाती है, अगर आप अल्कोहलिक हो तो आपके इस हिसाब से की जाता है, अगर आप नॉन अल्कोहलिक हो तो आपको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। सारे पैकेजेस अलग अलग है यहाँ पे। यहाँ पे बन रहा है हमारा रियल फ्रूट जूस। यहाँ पे आ चुका है हमारा मॉकटेल, इसको पियेंगे अब, मजे मारेंगे हम। देखिए गाइस यहाँ पे चल रही है एक नियॉन आर्ट, क्योंकि आज है नियॉन पार्टी इसलिए यहाँ पे चल रहा है नियॉन आर्ट। मैं भी सोच रही हूँ कि अपने हाथ पे बनवाऊँ, लेट्स सी। एक्टिवा लगा दिए यहाँ पे, जो कॉमन पार्किंग है वरंडा से पहले कॉमन पार्किंग पड़ता है वहीं पे लगानी होती है। अभी चलते हैं वरंडा की तरफ। तो जी यहाँ पे आ चुका है अपना मुस्तेज वरंडा, यहाँ पे गेट खोलेंगे और चलेंगे अंदर। गेट करते हैं बंद, जैसे ही अपने घर पे आ रहे हो ऐसे गेट बंद करना पड़ रहा है। चलते अपने रूम की तरफ। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, जायंट स्विंग और स्विमिंग पूल। जो इन्फिनिटी स्विमिंग पूल था वो भी रात को तो बंद हो चुका है, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है फिर भी। यहाँ पे फाउंटेन भी चल रहा है, फाउंटेन अच्छा लग रहा है रात को। अभी देखो कितने बज रहे हैं, 1:14। अभी चलते हैं सोने। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे कैसे बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थकान हो चुकी है तो सोने की तैयारी है, बस मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।